नमस्कार दोस्तों, कभी घर की चार दीवारी में सिमट कर रहने वाली भारतीय महिलाएं आज जीवन के हर फील्ड में सफलता पाने के नए नए उदाहरण पेश कर रही हैं। आज हम ऐसा ही उदाहरण पेश कर रहे हैं जिनको 2018 में राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2019 में TFI डिजाइनर का खिताब जीता और इसी साल कौन बनेगा करोड़पति शो में एक विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका सरकार के द्वारा उनको शिल्पा अभिमानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2020 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको वार्षिक उत्सव में एक स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है रूमा देवी। राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव रावतसर में खेताराम व इमरती देवी के घर नवंबर 1988 में रूमा देवी का जन्म हुआ। 5 साल की उम्र में ही रूमा ने अपनी मां को खो दिया। वे अपनी दादी के पास रहकर पली बड़ी। गांव के सरकारी स्कूल में महज 8वीं कक्षा तक पढ़ पाई। राजस्थान में पेयजल की सबसे अधिक किल्लत बाड़मेर में है। ऐसे में रूमा देवी ने वो दिन भी देखे जब उन्हें बैलगाड़ी पर बैठकर घर से 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। बहुत ही कम उम्र में रूमा ने घर की जिम्मेदारी को संभाल लिया था। वो अपनी दादी के साथ बैठकर कसीदाकारी का काम सीखती थी। मात्र 17 साल की उम्र में ही रूमा देवी की शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद बच्चा हुआ, लेकिन 48 घंटे बाद ही बच्चे की मौत हो गई। इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। बच्चे की मौत ने रूमा को अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया था। रूमा ने तय कर लिया कि अब पैसे कमाने के लिए काम की शुरुआत करेंगी, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, केवल दिहाड़ी मजदूरी का ही काम मिल सकता था। फिर उनको विचार आया, बचपन में उन्होंने अपनी दादी से कढ़ाई का काम सीखा था और यही काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। रूमा देवी के पास सिलाई मशीन नहीं थी तो काम करने में दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं से बात की और अपना एक समूह बनाया। सभी ने मिलकर 100-100 रुपए इकट्ठा किए और एक मशीन खरीदी। 2008 में 10 महिलाओं के साथ दीप देवल महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। उस समय रूमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि ज्यादा मटेरियल खरीद सकती थी। इधर उधर से उधार लेकर बैग बनाती और फिर उधार चुका देती। रूमा देवी अपने समूह के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना रही थी, लेकिन वो अपने ज्यादा प्रोडक्ट बेच नहीं पा रही थी। फिर उनको ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के बारे में पता चला, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। रूमा देवी और उनके समूह की कुछ महिलाएं मिलकर इस संस्थान के पास गए। संस्था के संस्थापक विक्रम सिंह ने उनके काम की तारीफ की और उनको काम भी दिया। रूमा देवी ने सोचा, और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ना चाहिए जो काम तो करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। वो अपने समूह के साथ अलग अलग गांव में गई, महिलाओं और उनके परिवार से बात की। उन्होंने कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और उनको घर बैठे काम दिलाने का वादा किया। आज उनके साथ 22,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और अपने हुनर से अपना परिवार चला रही हैं। रूमा देवी की लगन और मेहनत को देखते हुए उन्हें ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया। जब रूमा को पहली बार फैशन शो देखने दिल्ली जाने का मौका मिला, वहां जाकर उन्हें पता लगा कि हम लोग अभी भी कितने पीछे हैं। तब बाड़मेर की कला को कोई नहीं जानता था। अपने हुनर को पहचान दिलाने के लिए रूमा ने कॉटन की साड़ियों के साथ अन्य कपड़ों पर कशीदाकारी करना शुरू किया। राजस्थान हेरिटेज वीक में पहली बार फैशन शो करने जयपुर पहुंची। वहां जितने भी बड़े बड़े नामी फैशन डिजाइनर थे, वहां पर रूमा उन सभी से मिली, लेकिन वहां पर रूमा को नेगेटिव रिस्पांस मिला। उसके बाद रूमा ने एक महीने में फिर से अपने नए प्रोडक्ट तैयार किए और फिर बाड़मेर फैशन लिबास में अपना फैशन शो किया। इस फैशन शो में घूंघट में रैंप वॉक किया तो लोगों की तालियां रुक ही नहीं रही थी। यह रूमा की पहली सफलता थी। उन्हें राजस्थान दिवस पर जयपुर में हुए मेगा शो में प्रदर्शन करने का मौका मिला। उस कार्यक्रम को
112 देशों में लाइव दिखाया गया। राजस्थानी वेशभूषा को विदेशों में पहली बार देखा जा रहा था। इसका फायदा यह हुआ कि रूमा को कई फैशन डिजाइनर से ऑर्डर मिलने लगे। इसी बीच जर्मनी के टेक्सटाइल शो में जाने का मौका मिला तो रूमा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने 8वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी हो वह विदेश जा रही थी। टेक्सटाइल शो के दौरान जब रूमा का नंबर आया तो रूमा सुई धागा लेकर अपना हुनर दिखाने लगी। रूमा की कशीदाकारी देखकर विदेशी डिजाइनर अचंभित हो गए। रूमा को अपने काम की बदौलत सरकार व विदेशों से ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। रूमा ने बाड़मेर की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लंदन, सिंगापुर, जर्मनी और कोलंबो में हुए फैशन वीक में रूमा अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन कर चुकी हैं। हुनर तो कई लोगों में होता है, लेकिन इसके साथ हौसला हो तो मुकाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया डॉक्टर रूमा देवी ने। उम्मीद है कि रूमा देवी की कहानी ने आपको कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।